नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, यहां पे हमारे पास आ चुका है वीवो का V29 Pro। एंड वैसे गाइस, ये कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन है जहां पे आपको स्मार्ट ऑरा लाइट का फीचर देखने मिलता है एंड ढेर सारे और भी चीजें। वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा पैरामीटर है जहां पे ये स्मार्टफोन बेटर हो सकता था, क्या है जानने के लिए वीडियो को देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स को। सो गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है एंड बॉक्स के अंदर वो एक्चुअल डिवाइस, एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, एडिशनल पेपर वर्क, 80 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रिक एंड टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग एंड डेटा केबल आपको देखने मिलती है। सो जैसे मैंने बताया, ये कैमरा ओरिएंटेड स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कैमरा सेटअप को लेकर। सो यहाँ पे रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिलता है सोनी IMX766 सेंसर के साथ, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा एंड फ्रंट में आपको देखने मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बट गाइस, और एक इंटरेस्टिंग फीचर, मतलब यहां पे आपको स्मार्ट ऑरा लाइट देखने मिलता है एंड ये जो स्मार्ट ऑरा लाइट है ना, इसका कलर आप देख सकते हो डिफरेंट आपको देखने मिलता है अकॉर्डिंग टू द एंबिएंट लाइट। मतलब क्या, कलर टेम्परेचर इसका चेंज होता है, वाइट भी है, वार्म वाइट भी आपको देखने मिलता है एंड ये ऑटो एडजस्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स टर्न ऑफ हो जाते हैं, यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है एंड अगर आपको इसे मैन्युअली एडजस्ट करना है तो डेफिनेटली आप इसे मैन्युअली भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो बहुत ही ईजिली। एंड भाई, बहुत सारे लोग पूछेंगे यार ये ऑरा लाइट का एग्जैक्टली यूज क्या है। मान के चलिए अगर आप कहाँ पे आउटडोर्स में हो, पब में हो, जहाँ पे यू नो बैकग्राउंड में ब्लू रेड कलर की लाइट्स है, तो वहाँ पे अगर आप इमेज कैप्चर कर रहे हो विदाउट ऑरा लाइट तो कुछ इस तरीके का इमेज आपको देखने मिलेगा जहाँ पे स्किन टोन डेफिनेटली आपको प्रॉपर देखने नहीं मिलता है, वहाँ पे एग्जैक्टली ऑरा लाइट वर्क करता है एंड यहाँ पे हमने ऑरा लाइट की हेल्प से इमेज कैप्चर किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्किन टोन है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर हो चुका है एंड बैकग्राउंड जो कलर्स है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने मिलते हैं। सो ये तो हो गया स्मार्ट ऑरा लाइट का फीचर। गाइज, यहाँ पे आपको 50mm का एक पोर्ट्रेट लेंस भी देखने मिलता है 12 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर के साथ, उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने आउटडोर्स एंड इंडोर्स इमेजेस कैप्चर किए। नो डाउट गाइज, इसका जो पोर्ट्रेट इमेजेस है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर होते हैं एंड गाइज, वीवो का स्मार्टफोन है, डेफिनेटली इसका जो नाइट मोड है बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कंप्लीट डार्क एनवायरनमेंट है, यहाँ पे हम इमेज कैप्चर करते हैं 4 to 5 seconds लगते हैं इमेज को कैप्चर होने के लिए एंड इमेज कैप्चर होने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही डिटेल में क्लियरिटी यहाँ पे आपको देखने मिलती है, इमेज जो है काफी एनहांस्ड आपको देखने मिलता है एंड कलर्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल हो जाते हैं। एंड यस, उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर कैमरा दोनों भी कैमरा से आप 4K at 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइज, ये जो पर्टिकुलर फुटेज आप देख पा रहे हो ना, ये हमने रेयर कैमरा से रिकॉर्ड किया आउटडोर्स में 4K 60fps में। कलर्स वाला पार्ट हो गया, स्टेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है एंड यस, फ्रंट कैमरा से भी हमने यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, प्ले करता हूं उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, मैं आउटडोर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पे फ्रंट कैमरा से 4K at 60fps में। यहां पे डेफिनेटली ऑडियो एंड स्टेबिलिटी वाला पार्ट बेटर ही निकल के आना चाहिए एंड यस, कलर्स भी यहां पे काफी ब्राइट एंड विविड आपको देखने मिलते हैं एंड यस, उसके अलावा यहां पे हमने ढेर सारे सैंपल इमेजेस कैप्चर किए हाई रेज मोड में एंड यहाँ पे इंडोर्स में हो गया, आउटडोर्स में हो गया, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल में आप इमेजेस देख सकते हो एंड ये सेल्फी इमेजेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोर्स एंड आउटडोर्स एंड सेल्फी में भी यहाँ पे आपको वाइड एंगल सेल्फी का भी फीचर देखने मिलता है। डेफिनेटली आप ग्रुप सेल्फीज भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर कर सकते हो। सो गाइज, नो डाउट वीवो का स्मार्टफोन है, कैमरा वाला पार्ट सुपर इंप्रेसिव निकल के आता है। सो गाइज, बात करेंगे अभी डिस्प्ले को लेकर। सो यहाँ पे आपको 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने मिलता है एंड ब्राइटनेस है इसकी 1300 निट्स की, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है इवन आउटडोर्स में। एंड गाइज, यहाँ पे ना आपको फ्लिकरिंग का कोई भी इशू नहीं महसूस होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2160Hz का PWM डिमिंग भी उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड यस गाइज, डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको देखने मिलता है, स्कॉच सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड डेफिनेटली गाइज, कॉन्टेंट के लिए यहाँ पे आपको वाइड बैंड L1 देखने मिलता है, नेटफ्लिक्स पे आप HDR कॉन्टेंट को एंजॉय कर सकते हो, यूट्यूब पे भी यहाँ पे आपको 4K 60fps HDR कॉन्टेंट देखने मिलेगा एंड गाइज, कर्व डिस्प्ले काफी मिनिमल से अपर एंड लोअर बेजल्स आपको देखने मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी भी इस डिस्प्ले की नो डाउट बहुत ही बढ़िया निकल के आती है एंड गाइस, जितना बढ़िया डिस्प्ले है ना उतना बढ़िया प्रोसेसर भी आपको देखने मिलता है, जो है मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8200 एंड यहाँ पे एंटूटू स्कोर आपको देखने मिलते हैं 9 lakh+ के, CPU थ्रॉटलिंग 86% के आपको देखने मिलते हैं, CPU थोड़ा बहुत यहाँ पे थ्रॉटल करता है बट यस गाइस, यहाँ पे हम गेमिंग चेक करेंगे
एंड यहाँ पे अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो हमारे पास जो वेरिएंट है ना वो है 12GB LPDDR5 रैम के साथ 256GB का UFS 3.1 स्टोरेज। सो यहाँ पे 1.7GBPS की आपको रीड स्पीड देखने मिलती है एंड 1.5GBPS की राइट स्पीड। एंड फिर हम बात करेंगे गेमिंग को लेके। सो यहाँ पे हमने BGMI गेम इसके अंदर खेला था जहाँ पे हमें स्मूथ में एक्सट्रीम के सेटिंग्स देखने मिल रहे थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप 60 FPS में इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो, कोई भी लैग एज सच यहाँ पे हमें महसूस नहीं हुआ, गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। एंड यस यहाँ पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी खेला एंड कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर यहाँ पे आपको 90 FPS के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे देख सकते हो। एंड नो डाउट गाइस ये गेम भी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। एंड एडिशनली यहाँ पे उन्होंने गेम मोड का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है, गेम मोड की हेल्प से यहाँ पे आप प्रोसेसर को बूस्ट कर सकते हो एंड ढेर सारे और कस्टमाइजेशन कर सकते हो, हैप्टिक्स वाइब्रेशन को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड वैसे गाइस इस फोन के अंदर है ना आपको रिक्वायर्ड जितने भी सारे सेंसर्स है ना वो देखने मिलते हैं, इंक्लूडिंग जायरोस्कोप सेंसर को टेस्ट करने के लिए BGMI गेम यहाँ पे हमने खेला था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जायरोस्कोप सेंसर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। एंड गाइस वीवो का स्मार्टफोन है, OS की बातचीत तो डेफिनेटली बनती है। फन टच OS यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने मिलता है जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 13 पे। एंड यस OS वाला पार्ट बहुत ही स्मूथ यहाँ पे फील होता है, बट यस मेन कैच ये है कि यहाँ पे आपको ढेर सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने मिलते हैं। कई सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे मैंने अनइंस्टॉल किया, डेफिनेटली आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स के भी दो सेक्शंस देखने मिलते हैं। एंड उसे डिसेबल करने के लिए यहाँ पे आपको वी ऐप स्टोर के अंदर जाना है एंड यहाँ से आप इन दोनों को भी डिसेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद जो OS वाला पार्ट है ना आप देख सकते हो बहुत ही रिफाइंड एंड ब्लोटवेयर फ्री आपको देखने मिलता है। यार इतनी सारी बातचीत कर ली, बिल्ड क्वालिटी की बातचीत ही नहीं की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। गाइस यहाँ पे हमारे पास ये जो यूनिट है ना हिमालयन ब्लू कलर में, एंड गाइस यहाँ पे रेयर में आप देख सकते हो 3D पार्टिकल टेक्नोलॉजी का यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। काफी बढ़िया टेक्सचराइज मटेरियल आपको देखने मिलता है, ग्लॉसी बैक उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड फोन काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिलेगा। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ वही रेगुलर पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं, 3.5mm का जैक प्रोवाइड नहीं किया है। सिम स्लॉट में आप दो सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, मेमोरी कार्ड एक्सपांशन का भी ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलता है, वैसे जरूरत नहीं है, मतलब 256GB का स्टोरेज बहुत एडिक्वेट है मेरे हिसाब से। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। एंड गाइज इसका जो वेट है ना वो भी 188 ग्राम्स का निकल के आता है, इतना ज्यादा हैवी ये फोन फील नहीं होता। एंड फिर हम बात करेंगे इसके बैटरी को लेके, 4600 mAh की बैटरी आपको देखने मिलती है, 80 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, 0 to 50% 18 मिनट में ये चार्ज होता है। एंड डेफिनेटली गाइज 4600 mAh है, एक दिन तक इसकी बैटरी लाइफ फॉर श्योर चलेगी। एंड स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्टर मुझे लगा, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिंगल फायरिंग स्पीकर सेटअप प्रोवाइड किया है इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में, मेरे हिसाब से डुअल फायरिंग होना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ऑडियो प्ले करके साउंड क्वालिटी को सुनते हैं। सो गाइस साउंड आउटपुट सिंगल फायरिंग स्पीकर के हिसाब से बढ़िया है, बट डुअल फायरिंग होना चाहिए था। एंड फाइनली हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग को लेके। गाइस इसकी जो लॉन्च प्राइस है वो है 39,999 रुपीज़, एंड अगर आप उनके ऑफिशियल स्टोर से इसे परचेस करो ना वहाँ पे 3,500 का डिस्काउंट आपको देखने मिलेगा, 36,500 में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा। वैसे गाइस ओवरऑल स्मार्टफोन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, कैमरा अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, गेमिंग वाला पार्ट भी बढ़िया है, डुअल फायरिंग स्पीकर होना चाहिए था, बट बाकी ओवरऑल स्मार्टफोन मुझे बढ़िया लगा। यस एक जो IP रेटिंग वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में, बट आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड क्या आप इससे लेना प्रेफर करोगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।